केला कम समय में उत्पादन देने वाला फलदार पौधा है, लेकिन केले के बाग में कीट रोगों का प्रकोप कुछ अधिक ही देखने में आता है, जिनका समय रहते नियंत्रण करना बेहद जरूरी होता है। तो केले के बाग में कीट रोगों के नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एस के पांडे। हमारे किसान भाइयों ने बहुत स्थानों पर देखा है, केले की खेती शुरू की है और केले का अच्छा उत्पादन अगर उन्हें लेना है तो समसामयिक जानकारी में आज किसान भाइयों को मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, केवल कुछ चीज़ें सावधानी पूर्वक विशेष रूप से। एक होता है कीट, जिसके कारण जो कंद है और तने दोनों को नुकसान पहुँचता है, जिसको हम ग्रब कहते हैं। उस ग्रब का स्वभाव होता है कि वो कंद को भी नुकसान पहुंचाता है और तने को भी नुकसान पहुंचाता है, तो अंदर सुरंगें बनाता है और जो एक्सक्रीटा होता है वो चूंकि वहीं होता है उससे सड़न और गलन पैदा होती है। इस तरह से पूरा कंद सड़ने लगते हैं और तने में भी गलाव शुरू हो जाता है, जिससे कि पौधे गिरने लग जाते हैं। तो स्वाभाविक है, अगर फल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, फलने के पहले अगर पौधे गिर रहे हैं तब भी नुकसान होगा। तो इन किसी भी अवस्था में फसल को नुकसान इस कीट के द्वारा पहुंचता है। तो कोशिश करें किसान भाई की कृषि क्रियाएं हैं जहां हम कर रहे हैं, पौधे के पास साफ सुथरा रहे, उसके थाले में पानी लगातार ना भरा रहे। फिर पुराने जो कंद हैं उनको भी हटा दें, क्योंकि उनमें पहले से कीट होते हैं और वो फैलते चले जाते हैं। तो साफ़ सफाई बहुत ही आवश्यक है ताकि वो वहाँ पर और मल्टीप्लाई ना हो, नए और कीट पैदा ना करें। और सबसे इसका अच्छा उपाय ये है कि डाइमिथेट 1 मिलीलीटर की मात्रा 1 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करें। अच्छा प्रभाव देखने के लिए स्प्रे 12 से 15 दिन बाद पुनः कर दें। केला की मांग को देखते हुए किसान भाई इसकी खेती करने लगे हैं। इसकी खेती किसानों के लिए काफी लाभदायक होती है, लेकिन केला के पौधों में कई तरह के जीवाणु और फफूंद जनित रोग देखने को मिलते हैं, जो पौधों की पैदावार को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं, और इन रोगों के बढ़ने की वजह से कभी कभी संपूर्ण फसल भी नष्ट हो जाती है। तो केले की फसल में किन किन रोगों का प्रकोप होता है, चलिए जानते हैं। पनामा विल्ट एक बहुत बड़ी समस्या है। विशेष रूप से पनामा विल्टी के लिए किसान भाई देखेंगे कि पत्तियां इकट्ठी हो जाती, मोटी छोटी सी हो जाती है, गुच्छा बन जाता है और वृद्धि रुक जाती है पौधे की। जब ऐसा होता है तो छोटे छोटे से फल लगते हैं, फलों का आकार भी प्रभावित होता है या फिर फल नहीं लग पाते। इस तरह की स्थिति जब आ जाती है तो निश्चित रूप से उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। और जब इसको हमको रोकना है तो उसके लिए तो पहले किसान भाई जो पत्तियां सड़ रही हैं आसपास, उनको वहाँ से हटाएं, समय समय पर निदाई गुड़ाई करें ताकि हवा का प्रवाह मिट्टी में भी हो, और समय समय पर पोषक तत्व हैं उनको देते हुए सावधानी रखें। और उसके रोकथाम के लिए कार्बंडा जिम, मैनकोजेब या बाविस्टीन, इनमें से कोई सी भी एक फफूंद नाशक दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका पौधे पर भी छिड़काव करें। और सिंचाई देने के पहले ड्रेंचिंग बोलते हैं, जिसको कि मिट्टी में इन फफूंद नाशक को हम दे सकते हैं, जिससे कि मिट्टी में हो रहे जो प्रभाव है वो भी कम होता है, इससे नियंत्रण होता है। जीवाणु मलानी या मोकर रोग सर्वप्रथम रोगी पौधों की नई पत्तियों पीली पड़ने पर लगती है और बाद में टूटने लगती है, जिसके कारण बीज की पत्ती सूख जाती है और आगे चलकर अन्य पत्तियां भी मुरझाकर लटक जाती हैं और सूख जाती हैं। रोग ग्रसित पौधों के तनों को यदि काट कर देखा जाए तो ऊतक हल्के पीले, गहरे भूरे या काले नीले रंग के दिखते हैं। रोगी भाग से मटमैले धूसर या गहरे भूरे रंग का स्राव निकलता है। रोग नियंत्रण के उपाय, बाग में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। गर्मी के मौसम में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करनी चाहिए। कम से कम 2 वर्ष तक भूमि को केले की फसल से मुक्त रखा जाए। रोग ग्रसित पौधों को निकाल कर नष्ट कर देना चाहिए।
इसके लिए चूंकि यह बैक्टीरिया जनित रोग है, इस पर काफी पौधे की स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, वृद्धि रुक जाती है। इसको रोकने के लिए आवश्यक है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट जो नामक दवा है बैक्टीरिया को कंट्रोल करने की, 200 ppm का घोल बना ले, 200 मिलीग्राम एक लीटर पानी में मात्रा घोल लें और इसका छिड़काव करें पूरे पौधे पर, पत्तियों पर, तने पर, और यह छिड़काव 10 से 15 दिन बाद पुनः एक बार करें, तो इससे बैक्टीरियल ब्लाइट पर काफ़ी हद तक प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए किसान भाई अगर जो केले के खेत हैं उनमें ये सावधानी रखते हैं तो केले के ऊपर प्रतिकूल पड़ने वाला प्रभाव नहीं होगा और इन कीट का और बीमारी का नियंत्रण करके भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है।